तो आइए दोस्तों, मैं मनदीप बहल अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है टेंस के नाम कैसे याद करें। सबसे पहले हमें तीनों के तीनों टेंसेस का नाम लिखना है। एक नंबर पर हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, एक नंबर पर हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, दो नंबर पर हम लिखेंगे पास्ट टेंस, दो नंबर पर हम लिखेंगे पास्ट टेंस, और तीसरे पे हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस। दोस्तों, ये आपको पता होगा, तीनों के तीनों टेंसेस का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन ये तीन होते हैं, जैसे आप सभी को पता है, इन सभी को चार चार भागों में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों टेंसेस को चार चार भागों में डिवाइड किया जाता है, तो कुल टेंस बन जाते हैं 12। इसके चार पार्ट्स हम देखेंगे। चार पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके चार पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वाला होता है सिंपल। पहला पार्ट उसका कौन सा होता है, सिंपल। इसका दूसरा पार्ट दोस्तों होता है कंटिन्यूस। कौन सा होता है दोस्तों, कंटिन्यूस। इसका दूसरा पार्ट होता है कंटिन्यूस। तीसरा पार्ट होता है इसका परफेक्ट। तीसरा पार्ट होता है इसका परफेक्ट। और चौथा पार्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके बना देंगे, तो इसका चौथा पार्ट बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं यहाँ नीचे आपको लिख देता हूँ दोस्तों, ये चारों के चारों पार्ट इसके कौन कौन से हैं। पहला पार्ट दोस्तों है इसका सिंपल, जिसको हम दूसरे शब्दों में इनडेफिनेट नाम से भी जानते हैं। पहला पार्ट दोस्तों कौन सा है, सिंपल। सिंपल जिसे हम दूसरे शब्दों में इनडेफिनिट नाम से भी इसको जानते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कंटिन्यूस। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है दोस्तों, कंटिन्यूस। इसका तीसरा पार्ट है इसका परफेक्ट। तीसरा पार्ट इसका कौन सा है, परफेक्ट। ऊपर तीन याद कर लिए, नीचे फिर हम तीन याद कर लेंगे। ऊपर हमने तीन याद किए, नीचे फिर तीन याद कर लेंगे, और चौथा हम इन दोनों को मिक्स करके बना देंगे, तो चौथा पार्ट हमारा कौन सा बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे दोस्तों कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे आपने क्या करना है, 12 तक गिनती लिखनी है। आती होगी दोस्तों 12 तक गिनती आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपने करना क्या है, इन चारों को तीन तीन बार लिखना है। इन चारों जो भाग हैं टेंसेस के, इनको तीन तीन बार लिखना है। पहला कौन सा है, सिंपल। दोस्तों कोई भी काम सिंपल होता है वो हम पहले करते हैं, तो मैं यहाँ पे बाद में खाली स्थान छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, कंटिन्यूज़। और मैंने इससे पहले क्या किया, खालिस्तान बनाया। दोस्तों इसका तीसरा पार्ट है परफेक्ट। कौन सा है, परफेक्ट। और इसका चौथा पार्ट कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूज़। तो ये इसके कितने हो गए, चार। एक बार लिख दिए, इन्हीं चारों को हम फिर दोबारा लिखेंगे। सिंपल मैंने आपको ही बताया था, जो काम सिंपल होता है हम पहले करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने खालिस्तान लगा दिया। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, कंटिन्यूस। पहले खालिस्तान फिर कंटिन्यूस, समझ में आ रहा होगा आप सभी के। उसके बाद में तीसरा पार्ट इसका है परफेक्ट। चौथा कौन सा है, परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिक्स कर दिया, तो कौन सा बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर दोस्तों हम किसकी ओर आते हैं, सिंपल की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, सिंपल की ओर। दो बार हमने इन चारों को लिख दिया, सिंपल। सिंपल के बाद में खालिस्तान, उसके बाद में क्या किया, फिर कंटिन्यूस, उसके बाद में फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इतना लिख के जो हमने खाली स्थान छोड़े थे, इसकी हम पहले चारों में प्रेजेंट लिखेंगे, पहले चारों में प्रेजेंट, दूसरे चारों में पास्ट, और तीसरे चारों में फ्यूचर लिखेंगे। तो हमारे सभी के सभी टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे। सिंपल, पहले चारों में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा टेंसेस का प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा टेंस इसका प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा टेंस इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हम सिंपल पे आए। सिंपल है तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है, पहला कौन सा आ जाएगा, पास्ट। पहले चारों में हमने क्या लगाया, प्रेजेंट, दूसरे चारों में पास्ट, और तीसरे चारों में क्या लगाएंगे, हम फ्यूचर लगा देंगे। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपके 12 के 12 टेंसेस के नाम याद हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।